तो बात हो रही थी कि जो नेट का पेपर हुआ है आज, आप लोगों ने दिया होगा, तो जिन्होंने भी दिया या नहीं भी दिया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पता चलेंगे। और क्या है देख लेते हैं, जो भी हमको याद है कुछ एक पेपर पे लिख रखा है मैंने उसको, उससे फिर आपको पता चलेगा, थोड़ा जल्दी हो जाता पेपर पे लिखने से। वैसे जब उसको आप पीडीएफ बनाओ थोड़ा सा, फिर उसको फिर लिखो तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए पेपर पे लिखे हैं। उसमें कुछ अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो माफ़ करिएगा आप लोग, कोई अगर ऐसी गलती होती है तो, वैसे गलती की चांसेस कम है, पर अगर कभी हो जाती है जैसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई कुछ ऐसे लिखने में, कुछ मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए सॉरी। और देखते हैं आज का जो जो कौन से क्वेश्चन आए थे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि चित्र वाला पूछता है कि चित्र वाला और एक मूर्ति वाला, जो चीज़ें 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आज के पेपर में जो आया था वो ये वाला चित्र दिया था, ये चित्र राधा का विरह, राधा का विरह इस चित्र का नाम है, ये चित्र आया था आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, और इसमें आपका इसका माध्यम पूछा था, तो वैसे सर्च करने पर टेम्परा आ रहा है इसका टेम्परा, और ये है नंदलाल बसु का वर्क है, इसका नाम राधा का विरह। तो ये जो पेपर हुआ था आज के पेपर का एनालिसिस है, कैसे क्वेश्चन आए थे, और जो भी मुझे याद है या फिर जो और मुझसे और लोगों ने पूछा या किसी ने बताया, तो वो सारे क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो देखते हैं जो पहला यहाँ पे, थोड़ी सी जो टाइपिंग मिस्टेक या राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो उसके लिए सॉरी, बस आप लोग अपने पॉइंट को अगर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। तो ये एग्ज़ाम हुआ था आज ही के दिन 14 तारीख को, और दिन मॉर्निंग शिफ्ट में था। तो पहला अभी जैसे कि आपने पिक्चर देखा, पिक्चर वाला जो राधा का विरह यहाँ पे मैंने लिखा है, राधा का विरह वाला, राधा का विरह ये जो चित्र है नंदलाल बोस का है, नगमा में रखा हुआ है, और पूछा था कि जैसे कि 5 क्वेश्चन आते हैं चित्र से और मूर्ति से, तो 5 क्वेश्चन में आपका चित्र शीर्षक का कौन सा शीर्षक है, किसने बनाया है, किस शैली में है, कहाँ पे रखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे राधा का विरह चित्र था और ये बना हुआ है 1936 में, नंदलाल बोस ने बनाया था, नगमा में संग्रहित है, टेम्परा ऑन सिल्क इसका माध्यम सर्च करने पे आ रहा था गूगल करने पे, वैसे इसका टेम्परा था ऑप्शन में, ग्वास था, वास था, और ये सब ऑप्शन में थे, तो इसका टेम्परा ही वैसे सही होना चाहिए क्योंकि गूगल पे तो यही दिखा रहा है। फिर अगला जो क्वेश्चन था आज के पेपर में वो था रेम्ब्रा का जन्म कहाँ हुआ था, तो रेम्ब्रा का जन्म हुआ था लाइडन में 1606 में। बाकी आपका जो एक तो एक ये क्वेश्चन हो गया चित्र से, एक मूर्ति का भी पूछता है, तो वो जो पिक्चर थी अजंता की, एक मिनट आपको दिखाती हूँ, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं इस पेपर में जो है, फिर उस उसको पिक्चर वाले को देख लिया जाएगा। तो अजंता से पूछा था महायान से संबंधित, पूछा था किस महायान वाला, मतलब ऑप्शन आंसर याद आ रहा है जो सही लग रहा था, और फिर गुप्त काल का है अजंता, और एक दो क्वेश्चन और थे, किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजंता के बारे में पिक्चर दिया हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका ये स्थापत्य वाला हो गया, ये चित्र वाला हो गया, एक वर्क आया था अबेकस, अबेकस किसका है, तो नागजी पटेल का। अभी तक जो मुझे पर लग रहा है कि ये इसका सही आंसर हो सकता है वो बताने की कोशिश की है मैंने वीडियो में, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है जैसे, या फिर क्वेश्चन पे या फिर आंसर पे डाउट होता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो आंसर बता रहे हैं, आप और भी अगर याद है, जैसे कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपने देखा था। तो एक साथ अभी क्या होता है जब हम पेपर वेपर देते हैं आते हैं, तो जितनी चीज़ें हमारे माइंड में होती है, थोड़ी आप देखते होंगे 2-2.5 घंटे के बाद अगर आप पेपर कोई पूछे कौन सा क्वेश्चन आया था तो आप भूल जाओगे, लेकिन वही थोड़े देर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद कोई पूछता है तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद रहते हैं। तो ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि जब आप पेपर दे के आते हो तो आपको एक पेपर पर ज़रूर लिखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन था,
इसी क्या होता है कि आगे के जब आप कोई भी पेपर दोगे तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और काफ़ी ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। आप बुक पढ़ लो, आप डिस्कशन कर लो किसी से, और या फिर आप कोई क्लास कर लो, कोई कोचिंग कर लो, कोई वीडियो देख लो, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावी ये चीज़ होती है कि आप जब करके सीखते हो तो, मतलब आपने पेपर दिया फिर आप आए घर पे, आपको उसको मेमोराइज करके आपने जो लिखा है ना वो आपको बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। तो यहाँ पे देखेंगे अगला जो एक क्वेश्चन पूछा था कि किसका किसका मिश्रित माध्यम, कौन मिश्रित माध्यम में काम करता है, तो उसमें होना चाहिए वैसे राजेंद्र टिक्कू थे ऑप्शन में, तो राजेंद्र टिक्कू का सर्च करने पे कभी कभी दिखा रहा था, तो राजेंद्र टिक्कू हो सकते हैं इसमें, जयराम पटेल नहीं होंगे, राजेंद्र टिक्कू हो सकते हैं। मिश्रित माध्यम किसका है, ये था क्वेश्चन। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं पेपर पे, एकदम पॉइंट करके लिखे हैं, टू द पॉइंट की क्वेश्चन ये था, ये तो किस क्वेश्चन है फिर इसका आंसर है, मगर हम वीडियो इसको बनाते टाइम, मतलब जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसको पूरा क्वेश्चन सहित आपको बताते रहेंगे, तो आपके दिमाग में रहेगा, जब आंसर की आएगी तो आप उस समय वीडियो देख लेंगे या फिर अभी जब देखे रहेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन ऐसा कलाकार है जो बड़ौदा से संबंधित नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कौन सा ऐसा कलाकार है जो बड़ौदा से संबंधित नहीं है, तो उसमें अंजलि इला मीना नहीं सही होंगी क्योंकि ये जे जे स्कूल से इन्होंने कुछ भी किया था, शिक्षा वगैरह जो भी थी, और मिरांडा कॉलेज दिल्ली से भी पढ़ी हुई हैं, तो अंजलि इला मीना ज़्यादा सही बेस्ट आंसर होती हैं इस क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन था आई वॉन्ट यू फॉर US आर्मी पोस्टर, आई वॉन्ट यू फॉर US आर्मी पोस्टर किसने बनाया था, ये क्वेश्चन आया था, तो ये JM फ्लैग ने बनाया था, 1877 इनका DOB, 1960 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1917 में उन्होंने ये पोस्टर बनाया था। पोस्टर से दो क्वेश्चन आए थे, एक जर्मनी में जब वो उस पोस्टर के साथ जर्मनी में महिलाओं को चुनाव में उसका अधिकार मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन था, और एक ये पोस्टर वाला, दो क्वेश्चन आए थे आपके पोस्टर से। और अभी जो भी बच्चे देंगे आगे ये हमारे इसका पेपर आने वाला है, तो वहाँ से आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अजंता से इस पेपर में कुल 8 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन तो आपके जो आपके पास क्वेश्चन जो चित्र मूर्ति वाला होता है वो वाला हो गया, और बाकी 2 क्वेश्चन तो वो जातक कथाओं का पूछा था, ये किसका चित्र है, ये किस गुफा का चित्र है, इस तरह के क्वेश्चन, और एक में उसमें पूछा था कि किस मुद्रा में, पूरा पूरा प्रश्न वो से नहीं ध्यान है अभी, तो उसमें मुद्रा में कुछ पूछा था कि ये जो है इसकी कौन सी मुद्रा है, बड़ा अलग सा क्वेश्चन था, तो कुल मिला के 8 प्रश्न थे अजंता से, तो EMRS वाले बच्चे ये क्वेश्चन ये वाला ज़रूर देख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इस तरह के, जैसे अजंता है तो किसी भी पेपर में आता है। फिर आपका एक क्रम भी पूछा था जिसमें आपके विंची का 1452 हो जाएगा, फिर माइकल एंजेलो का 1475 हो जाएगा, राफेल का 1483 हो जाएगा, तो ये था विंची, माइकल एंजेलो, राफेल और कैरावेजियो, ये थे क्रम वाला एक क्वेश्चन आया था। बाकी हम लोगों ने राधा विदा वाला देख लिया, और रेम्ब्रा लाइडन में इनका जन्म हुआ था ये देख लिया, मूर्ति स्थापित है जनता वाला थोड़ा बहुत देख लिया, अबेकस नागजी पटेल का वर्क है ये देख लिया, अंजलि इला मीनन जो है वो जे स्कूल आर्ट से पढ़ी हुई है, मतलब बड़ौदा से संबंधित नहीं है, ये देख लिया। अच्छा, अगर आपको याद है कि ये इनका क्या विशेषता है अंजलि इला मीनन की, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इनकी विशेषता क्या है। अब अगले बात आती है, एक पूछा था अनुधा मोगल करके आता है, उसकी टाइमिंग पूछी थी, तो 1816 उसकी टाइमिंग हो जाएगी। और एक क्वेश्चन पूछा था, ये पूरा तो ध्यान नहीं है, अजीत मुखर्जी की बुक पूछी थी, और नहीं अजीत मुखर्जी ने किस किताब में कोई उनका थॉट था, वो था बंगाल पट कुछ करके ऐसा लिखा है, और उसके बाद उसका पूछा गया था कि उस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा याद है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि पूरा हमको नहीं ध्यान आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक बार 2018 वाला पेपर में पूछा गया था, तो उसमें विन वॉज मॉडर्निज्म में गीता कपूर ने क्या दर्शाया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, अजीत मुखर्जी की पुस्तक है और उसमें उन्होंने क्या दिखाया या क्या बताया, उस तरह का क्वेश्चन था। अगला जो, जैसे कि पिछली बार वाले पेपर में भी
कई बार कोटेशन वगैरह आते रहते हैं नेट के पेपर में, आपने ध्यान दिया होगा, और एलटी में भी कोटेशन आता है। तो एक कोटेशन से पेपर था, सौंदर्य संपूर्णता है, सौंदर्य संपूर्णता है, ये कोटेशन हो जाएगा बामगार्टन का। और ये तो ऑप्शन में थी, एक किशोरी कॉलेज से लिख दिए थे। ग्रुप एट के कलाकार पूछे गए थे, ग्रुप एट के कलाकार पांच ऑप्शन थे, उसमें से तीन आपको सही आंसर देने थे, कूट वाला था क्वेश्चन, तो इसमें ग्रुप एट के कलाकार पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था जो मैचिंग वाला था, तो मैचिंग वाले में चंदेरी मध्य प्रदेश का है, पटोला गुजरात का है, और भी दो थे, दो उसमें कुछ नए 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 भी डाले हुए थे, दो लोक कलाएं, पूरा उसका भी हमको भी नहीं याद है। अगर आपको याद है दो तो ध्यान है, चंदेरी मध्य प्रदेश की, पटोला गुजरात की, बाकी अगर आपको दो याद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी दो और पूछे गए थे क्वेश्चन। फिर आपका जो डीओबी वाला आता है, जैसे कि क्रम में अभी बताए, वो तो वेस्टर्न का हो गया है, तो एक इंडियन का क्रम आया था, किसी किसी जिसका जिसका याद है, जैसे शंखो चौधरी 1916, सोमनाथ और 1921, आंद्रिया मॉन्टेगना का था, क्रम में था, तो 1431 इनकी डीओबी है। और एक क्वेश्चन पूछा था उसमें वानगाग का, वो मैचिंग वाला क्वेश्चन था, ये तो आपके डीओबी वाले क्वेश्चन थे, डीओबी वाले क्वेश्चन में था, ये दोनों अलग अलग, एक वेस्टर्न वाला था उसमें ये दोनों थे, और शंकर चौधरी सोमनाथोर का डीओबी पूछा था। फिर आपका वानगाग का 1853, ये क्वेश्चन एक उसमें चित्र मूर्ति वगैरह सब मिक्स कर दिया था, मैचिंग था, तो उसमें आया था ये वाला, डीओबी में एकदम स्पेशल करके नहीं पूछा था। विलियम होगार्थ का भी आया था, 1600-1697 में इनका जन्म हुआ था, विलियम होगार्थ का, इनका आपने पढ़ा होगा मैरिज एलामूड, इम्पोर्टेंट रहता है। आगे जो है वो द विस्टा चित्र पूछा था किसका है, तो ये है ड्राई पॉइंट में बना हुआ है, रेम्ब्रा का है, ऑप्शन में पिकासो भी थे लेकिन ये रेम्ब्रा का चित्र होगा, 1652 में इन्होंने बनाया था, द विस्टा याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछा जाए। और रेम्ब्रा का डीओबी भी पूछा गया था, सॉरी डीओबी नहीं, कहाँ जन्म हुआ था, तो लाइडन में इनका जन्म हुआ था, और इनका एक वर्क पूछा गया था द विस्टा। फिर आपका 1440 में गुलेर की स्थापना किसने की थी, कुछ क्वेश्चन अलग करके पूछा था, मगर उसका जो फैक्ट होता है, अगर हम फैक्ट के रूप में उसको पढ़े तो वही यही होगा कि 1440 में गुलेर की स्थापना हरि सिंह ने की थी। और जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था जर्मनी के फ्लैग का, तो उसका 1914 सही हो जाएगा, डेट पूछा था, कुछ डेट वाले हैं यहाँ पे, त्रिनाले कब हुआ था, तो त्रिनाले का आयोजन 1968 में हुआ था। एक प्रश्न ये भी आता है त्रिनाले से कि त्रिनाले कितने वर्ष पर होती है, तो तीन वर्ष पे होती है त्रिनाले। फिर आपका अजंता से, जैसा कि हम बताएं कि अजंता से पांच क्वेश्चन आज के पेपर में आए थे, तो यह श्याम जातक पूछा था किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 10 में हो जाएगी, वैसे तो 17 में भी है लेकिन वहाँ पे और पेपर में 17 ऑप्शन में नहीं था, तो आपका गुफा संख्या 10 में श्याम जातक। आपकी कांथा कहाँ की है, तो कांथा पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। मोढेरा का पूछा था, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो किस शैली में है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है नागर शैली में हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन इंडोनेशिया, अरे बोरोबुदुर स्तूप को, इंडोनेशिया में कौन सा बौद्ध मंदिर है, तो बोरोबुदुर स्तूप कोई वो मंदिर करके, बौद्ध मंदिर करके पूछा था, उसमें ऑप्शन में यही सही लग रहा था, बोरोबुदुर स्तूप। फिर भामक का पूछा था, अलंकार सिद्धांत जो है भामक का है पूछा था। यूकीय के बारे में दो क्वेश्चन आए थे, तो वो पूरा एकदम स्पष्ट तरीके से पूरा, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो गया था क्वेश्चन, तो वो पूरा तो नहीं याद है, अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन क्या था। यूकीय से क्वेश्चन आया था, पूरा तो नहीं ध्यान है ये। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो ये वाला था कि तीन प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो मेरे हिसाब से तो काला बनता है, अगर आपको कुछ और पता है तो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन ये आया था, तीन प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। फिर काश्य में कौन कौन लोग काम करते हैं, तो एक तो सोमनाथोर का भी ऑप्शन में कौन कौन थे, तो सोमनाथोर अभी स्पष्ट रूप से याद आ रहे हैं, तो सोमनाथोर उन्होंने काम भी किया है काश्य में। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा था अनुपात से, वो एक अनुपाते करके और कुछ थे ऑप्शन में, तीन तीन अंकों तक दिया हुआ था, ये क्वेश्चन थोड़ा नया था अनुपात वाला,
तो अगर आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन कहीं पढ़ा है तो जरूर बताइएगा कि एक अनुपात करके वो कौन सा अनुपात का कुछ सिद्धांत या क्या होता है। बड़ा नया था ये क्वेश्चन। बिस्किट फायरिंग का पूछा था, किसमें किया जाता है, तो सिरेमिक में। स्टोन वेयर का तापमान, एक स्टोन वेयर का तापमान पूछा था तो ऑप्शन में 1400 1600 था। वैसे इसको जब गूगल वूगल करेंगे तो आपको 1100 से 1300 मिलेगा। इसका क्या सही होगा, अगर आपको पता है तो बताइएगा। इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि क्या सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये जापानी कलाकार बर को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्यूरिन का प्रयोग कुछ ऐसे था, बैरन सर्च करने पे आ रहा है, प्रिंटिंग टूल करके आ रहा था। पहला कलाकार जिसने विदेश से प्रिंट मेकिंग सीखी थी, तो वो हो जाएंगे मुकुल चंद्र डे। 1895 इनका DOB है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा था। फिर कौन रेनेशा का कलाकार नहीं है, तो उसमें तीन आपके रेनेशा के दिए थे, तो टीशिया जो है रेनेशा के कलाकार नहीं होंगे। मार्शल डोमचप का पूछा था वर्क, तीन उसमें पांच वर्क दिए थे, तीन वर्क बताने थे, तो काफी की चक्की, थोड़ा सा ये वर्क छोटा छोटा लिखे हैं, मगर आपको सुनने में बड़ा स्पष्ट लग रहा होगा। वैसे थोड़ा जल्दी जल्दी में जितना याद आ रहा था, तो एक थोड़ा सा उसमें राइटिंग थोड़ी बेकार हो गई मेरी। काफी की चक्की इनका है, एक उनका है विवस्त्र की गई वधु ऐसे करके आ था, वो वाला था। फिर काफी की चक्की इनका था, फाउंटेन, हाँ तीन ये वर्क इनके थे। फिर एक तो था इसी ऑप्शन में था, इसी वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में था टिल्ड फील्ड, तो टिल्ड फील्ड तो आपका जान मीरो का हो जाएगा। फिर एक नग्नजीत से ये जो आप लोग वाला नहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें कथन कारण वाला दिया रहता है, उसमें ऐसा दिया था कि नग्नजीत की कोई पुस्तक है, तो वो तो ऐसा लग रहा था कि दो गलत ही लग रहा था। वैसे हमको वैसे आंसर की आने पे पता चलेगा कि इसका क्या सही होगा। नग्नजीत से संबंधित तो कोई क्वेश्चन था, कथन कारण वाले में था ये। विज्ञापन किससे संबंधित क्वेश्चन कथन कारण वाले में पूछा था, विज्ञापन से संबंधित, और एक ये पूछा था बुक से संबंधित पूछा था। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा था एम सी आई सर का, इसके पहले वाले पेपर में भी एम सी आई सर से क्वेश्चन आए थे, और इस पेपर में भी एम सी आई सर से पूछा था। इनकी 28 सीरीज करके कुछ क्वेश्चन पूछा था। फिर आपकी बुद्ध के ये कुछ क्वेश्चन पूछा था अजंता कि किसी संख्या 12 या 15, पूरा ठीक तरीके से नहीं ध्यान आ रहा है, उसमें पूछा था कि बुद्ध की कौन सी मुद्रा है, और ये बड़ा नया सा क्वेश्चन कुछ लग रहा था। फिर आपका प्रतिमा शास्त्र से भी एक क्वेश्चन था, उसमें गणेश और विष्णु और गदा कुछ ऐसे करके था। प्रतिमा शास्त्र वाला भी पूरा अच्छी तरीके से नहीं ध्यान है, मगर इतना याद है कि वो क्वेश्चन प्रतिमा शास्त्र से संबंधित था। पाप आर्टिस्ट पूछे थे आपके, तो एंडी वारहोल थे ऑप्शन में, और एक कोई और भी था, तो पाप आर्टिस्ट वाले क्वेश्चन, पाप आर्टिस्ट जैसे आपके कूट वाला क्वेश्चन पूछा था पाप आर्टिस्ट आर्टिस्ट से। अगर इस कोई कोई जैसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं, अगर आप लोगों में से किसी को एकदम क्लियर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये था क्वेश्चन, और उसका अगर आंसर भी पता है तो वो भी। यहाँ पे इनके जैसे कि आज के पेपर में आर्ट वर्क से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। कुट वाले क्वेश्चन बहुत आर्ट वर्क से थे, उसमें वेस्टर्न के भी थे, इंडियन के भी थे, तो आर्ट वर्क वाला जो है ज़्यादा ही पूछा गया था। धनराज भगत का पूछा गया था, एक मिनट, ये हाँ धनराज भगत का वर्क पूछा था, उसमें कुछ वर्क थे, पांच ऑप्शन था, कूट वाला क्वेश्चन था, तो इसमें मोनार्क समझ में आ रहा था और कॉस्मिक एनर्जी इनकी समझ में आ रही थी, और एक और कोई एक और सही था, वो ध्यान नहीं। अभी आपको ध्यान हो तो बताइएगा। फिर आपका राम किंकर बैच का भी वर्क पूछा था, इनका कौन कौन सा वर्क है, तो उसमें भी कुट वाला क्वेश्चन था, मैं तो मील काल याद है और सांथाल परिवार, और एक कोई और भी वर्क था, तो अगर आपको ध्यान है कौन सा था तो ज़रूर बताएगा कमेंट करके। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि बापूजी किसने किसने बनाया है प्रिंट मेकिंग प्रिंट में, तो आपका ललित मोहन सेन ने बनाया है, एक मिनट,
अगर आप टीजीटी देने वाले हैं, पीजीटी देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बापूजी को पूछा था, बापूजी किसने किसने बनाया है प्रिंट मेकिंग में। तो आपका ललित मोहन सेन ने बनाया है 1949 में बापूजी, और एक नंदलाल बोस वाला तो सबको आपको पता ही है, हमेशा ये आता भी रहता है तो ध्यान ही रहता है, 1930 में इन्होंने बनाया था बापूजी नाम से प्रिंट में, और छापाचित्र और ललित मोहन सेन का भी है। फिर आपका कर्निंग क्या होती है और लीडिंग क्या होती है, दो लाइनों के बीच की दूरी होती है, दो अक्षरों के बीच की जो दूरी कर्निंग होती है, ऐसा क्वेश्चन आया था, ये मैचिंग वाले में था। तो इसमें से दो तो आपको लीडिंग और कर्निंग तो ध्यान में रहते हैं, और उसमें से एक एक इस वाले ये वाला जो ऑप्शन, ये वाला जो क्वेश्चन था जिसमें चार क्वेश्चन मतलब चार ऑप्शन थे मैचिंग वाले में, तो उसमें से दो तो सिमिलर थे लेकिन दो कुछ एकदम नए से लग रहे थे, उसमें से एक तो बिल्कुल भी नया, बिल्कुल ही नया था। बाकी ये वाला वो तो पूरा हमको याद नहीं, दो ऑप्शन याद है मैचिंग वाला। और इसको इसको देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछा था कि दयाराम संबंध सॉरी दयाराम साहनी का संबंध किससे है, तो आपका हड़प्पा से हो जाएगा। फिर पूछा था माइकल पिएटा किसकी है, तो ये आपके माइकल एंजेलो की हो जाएगी। मतलब पूरा एकदम स्पष्ट, एकदम यही नहीं पूछा था मगर इससे बहुत सिमिलर चीज़ें पूछी थी, वो थोड़ा फैक्ट जैसे फैक्ट होता है वन लाइनर टाइप, वैसे हम लिखने की कोशिश किए तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। फिर ये पूछा था कौन कौन सा रस है, तो श्रृंगार और विभत्स आपका रस रस है, और इंग्लिश में इंग्लिश वाला जो वर्जन दिया था उसमें शायद उसमें श्रृंगार को श्रीधर श्रृंगधर लिख दिया था, तो वो टाइपिंग मिस्टेक थी या वो जानबूझ के किया गया था, वो क्या था वो तो पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन अगर उसको हिंदी वाला देखा जाए तो उसमें श्रृंगार और विभत्स सही हो जाएगा। और ऐसे जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो इंग्लिश का जो भी रहता है उसको ज़्यादा सही मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, वैसे श्रृंगार और विभत्स रस थे उसमें, बाकी सब कुछ दिया हुआ था, ऑप्शन पूरा याद नहीं है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि आर्ट नूवो किससे संबंधित है, ये भी कूट वाला क्वेश्चन था, तो उसमें पांच ऑप्शन थे उसमें से दो या तीन सही करने थे, तो पूरा तो ये भी लेंदी थोड़ा था क्वेश्चन, तो पूरा नहीं ध्यान है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अधिक प्रिंट किस टेक्निक से ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें, फ्लेक्सोग्राफी थर्मोग्राफी, तो उसका भी स्पष्ट रूप से हमको इसका भी आंसर नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है, किसी को कोई ग्राफिक का है तो बताइएगा कमेंट करके। फिर आपका क्रम पूछा था, वेद उपनिषद रामायण, उसका लास्ट में रामायण था, वेद उपनिषद और लास्ट में रामायण वाला याद है, और तीन एक जो वेद उपनिषद के बाद कौन सा ऑप्शन था वो तो ध्यान ही नहीं आ रहा। फिर आपका एक क्रम और पूछा था, क्रम वाले में ही उसमें हेरियोग्लिफिक का और पेपिरस की शाखा का कुछ ऐसे मिश्र की जो है उस तरह का लिखने लेखन लेखन का क्रम पूछा था, तो इसका भी स्पष्ट पूरा हमको नहीं पता कि क्या सही होगा, कौन सा पहले आएगा, पेपिरस आएगा या हीरियोग्राफिक आएगी। इन सब क्वेश्चन का जो थोड़ा भी नहीं पता चल पा रहा है, जब आंसर की आएगी तो फिर से एक वीडियो बना के और हम लोग देखेंगे कि किस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। हालांकि पहली बार इस तरह की कोशिश की है मैंने, पिछली बार भी एग्ज़ाम के बाद हम पूरा पेपर पे लिखे थे लेकिन उसको वो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इस बार हमको लगा कि जैसा भी हो रहा है एक बार रिव्यू लेना चाहिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर सही है तो फिर आगे कोई एग्ज़ाम होता है तो ज़रूर उसका इस तरह से बनाएंगे वीडियो, तो इस बार कोशिश की है, बताएगा आप लोगों की कैसी लगी वीडियो आपको, ये अभी थोड़ा बहुत और भी इसमें बचा हुआ है तो उसको ये लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन और था, उसमें पूछा था मंदिर कौन सा किससे संबंधित है, तो कांदरिया मंदिर आपका खजुराहो से संबंधित हो जाएगा, कैलाश नाथ मंदिर इलोरा से, कैलाश मंदिर इलोरा से, रथ मंदिर महाबलीपुरम से, और एक वासुदेव करके कुछ और भी इसके साथ थोड़ा बहुत कुछ जुड़ा हुआ था, पूरा नहीं याद है, वासुदेव मंदिर ये हो जाएगा भुवनेश्वर से संबंधित। तो ये थे क्वेश्चन जो कि याद थे, और एक पिक्चर भी आप लोगों को दिखा देते हैं कौन कौन से वर्क पूछे गए थे, कुछ किया है मेरे पास, बाकी आप लोगों को और क्वेश्चन याद है तो कमेंट करके बताइएगा कि मुझसे कुछ छूट गया हो या कोई गलती हो गई हो पेस में बताने में, कोई मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ करिएगा, बाकी
पहली कोशिश है इस तरह के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करने वाली, मेरी ये पहली वीडियो है। तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो आपके जानने में लोग हों उनको शेयर करते रहिए। यह आपका जो पूछा था कि कौन सा, एक मिनट, यह आपका पूछा था कि कौन सा है बापू किसने बनाया था, तो ये ललित मोहन सेन का ग्राफिक वाला वर्क है, बापू ललित मोहन का सेन का, और ये आपके नंदलाल बोस का वर्क है, बापू जी 1930 में बनाया था, और ललित मोहन सेन ने 1949 में बनाया था, ये 1930 में और ललित मोहन सेन वाला 1949 में, दोनों याद रखिएगा, ललित LM सेन वाला है ये, और ये नंदलाल बसु वाला, ये तो आप लोग देख ही चुके हैं, नंदलाल बोस का वर्क है राधा वीरा। ये पोस्टर जिसकी टाइमिंग पूछी गई थी ये 1914 का है, ये रेम्ब्रा का वर्क है विष्टा करके जो पूछा गया था वो, यह अजंता का जो पिक्चर दिया था आज के पेपर में, अजंता का ये पिक्चर दिया हुआ था, ये इतना ही दिख रहा था इसमें, ठीक है, ये अजंता का दिया हुआ था पिक्चर। तो इसी के साथ ये वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ ज़रूर से चैनल को लाइक कर दीजिए, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो और लोगों को शेयर भी कर दीजिए जो आपके जानने में कला पढ़ते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।